Now we will discuss tracing evolutionary relationships. कैसे इन evolutionary relationships को आप identify कर सकते हो, पता कर सकते हो, okay? कि which evolutionary relationships are common, which are different, कैसे हम पता लगाएंगे कि क्या चीज़ें similar थी, क्या चीज़ें different थी, okay? So इसके लिए भी क्या होता है, एक अलग सा criteria होता है basically. अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, so trace कैसे कर सकते हो आप कि evolutionary relationship रहा होगा. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर आपने किसी दो चीज़ों के बीच में देखना है, तो उन चीज़ों के बीच में क्या होने चाहिए, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. ठीक है, एक जैसे मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उन पे. इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए, कॉमन एंसेस्टर से इनहेरिटेड होने चाहिए. ठीक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि एंसेस्टर जो है वो कॉमन होने चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि इन दो चीजों के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है. ओके, नाउ ऑन दिस बेसिस ये जो हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, कि एंसेस्टर कॉमन हो सकता है और कैरेक्टर्स आपको कैसे दिखेंगे, उसके बेसिस पे दो तरह के ऑर्गन्स हैं. फर्स्ट इज होमोलोगस एंड सेकेंड इज एनालोगस ऑर्गन्स. होमो मीन्स क्या होता है, सेम. ओके, एनालोगस भी सेम ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं. देखिए, होमोलोगस ऑर्गन का मतलब है कि जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, ओके, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है. मींस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जो स्ट्रक्चर है ऑर्गन्स का वो एक जैसे ही है ऑर्गन देखने में, लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग हैं, है ना. जैसे एग्जांपल, लिम्स ऑफ रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स, ह्यूमंस, बर्ड्स. आपको पता है हमारे पास भी कितनी लिम्स है, 4 लिम्स हैं. हमारे फंक्शन अलग अलग हैं. हमारे पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं. हम अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जो हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या वो रेप्टाइल्स, स्नेक, स्नेक है ना, तो क्या वो स्नेक परफॉर्म करते हैं वैसा फंक्शन? नहीं. ठीक है, लिजर्ड्स, छिपकलियाँ वैसा फंक्शन करती हैं? नहीं. ठीक है, इनके फंक्शन अलग हैं, हमारे फंक्शन अलग हैं. बर्ड्स के फंक्शन अलग हैं बर्ड्स के लिम्स के. कहने का मतलब चारों के फंक्शन आपस में अलग है, आप कंपेरेटिव देख सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है. इफ यू विल सी, हैं तो चार टांगे ही ना. ठीक है ना, इस तरह से लिम्स का स्ट्रक्चर है. ठीक है, इस तरह से बोन है, मीन शेप इस तरह से है. समझ रहे मेरी बात? यू कैन सी इन द बुक, ओके, और यू कैन गूगल इट दैट हाउ इज द स्ट्रक्चर. ओके, डायग्राम आप देख सकते हैं. एनालोगस ऑर्गन, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शंस. एनालोगस का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है. अब ऐसा कब हो सकता है? विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बैट्स इसका एग्जांपल है. ठीक है, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बैट्स. विंग्स ऑफ बर्ड्स में क्या होता है कि इनका स्ट्रक्चर बना होता है फैदर से. बर्ड्स में क्या होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट इनके पर होते हैं, ओके, सॉफ्ट पंख होते हैं इनके, मीन्स ये फैदर से बने हैं. लेकिन जो बैट होता है उस वो फैदर नहीं होता, वो उसकी स्किन होती है, जो उसके पंख हैं वो स्किन के फोल्ड्स हैं. ओके, सो दैट मीन्स स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया लेकिन फंक्शन तो सेम है ना. दोनों ने क्या करना है, फ्लाई करना है, उड़ना है, बर्ड ने भी और बैट ने भी. सो द फंक्शन इज सेम. हेंस वी कैन से दैट एनालोगस और अगर होमोलोगस ऑर्गन्स को हम स्टडी करें तो हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, इवोल्यूशन को हम स्टडी कर सकते हैं कि ये अब जैसे ह्यूमंस का रेप्टाइल्स के साथ क्या रिलेशन हो सकता है कि चार लिम्स हैं, ये इनके बीच का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है. टाइम के साथ साथ चार लिम्स हैं इनके पास. ओके, वी कैन स्टडी दिस. विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बैट्स का भी सिमिलर. ओके, इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज फॉसिल्स. ओके, फॉसिल्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बेसिकली आपके सिलेबस में छोटा सा ही है तो हम बहुत ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करेंगे. देखिए, फॉसिल क्या होते हैं? फॉसिल होते हैं, आपने सुना होगा कि बचे कुचे कुछ अवशेष. ठीक है, जो चीज़ें मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं. कई बार हमें बहुत पुराने हड्डियों के ढांचे देखने को मिलते हैं, या रॉक्स जो होती हैं उन पे उनके मतलब थोड़े से शेप्स जैसे देखने को मिलते हैं, उनके चिन्ह सिंबल्स देखने को मिलते हैं रॉक्स के ऊपर. तो इस तरह के बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी काफ़ी सालों पहले, काफ़ी वर्षों पहले डेथ हुई होती है, एंड स्टिल वी फाउंड उनके मतलब उनके बारे में हम कुछ प्रूफ अचीव कर पाते हैं. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, होता क्या है, बेसिकली उन इंडिविजुअल्स को हम बोलते क्या हैं जिनके हमें वो प्रूफ्स मिल रहे हैं, जिनके बेसिस पे, उनको हम क्या नाम देंगे? सी, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स. ओके,
फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स, कि जब इंडिविजुअल्स मर गया फिर उसमें क्या प्रोसेस होती है? जब भी डेथ होती है तो डीके एंड डीकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है, सड़ने लग जाएगा या तो डीकम्पोजिशन होगी, ठीक है? तो डेड इंडिविजुअल पे क्या होती है? डीकम्पोजिशन। लेकिन क्या होता है यूजुअली कि वो कम्प्लीटली डीकम्पोज नहीं हो पाती है। कई बार ऐसी बॉडीज होती हैं जो कम्प्लीटली डीकम्पोज नहीं हो पाती हैं, एक लेवल पर आके डीकम्पोजिशन स्टॉप कर जाती है। ओके, सो दैट इनकम्प्लीटली डीकम्पोज प्रोडक्ट इज फॉसिल। ओके, और यू कैन से प्रिजर्व्ड ट्रेसेस, इनको प्रिजर्व रहते हैं, मतलब ऐसे कुछ ट्रेसेस क्या होते हैं, बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं लेकिन प्रिजर्व रहते हैं काफी सालों तक। ओके, तो उनको हम बोलेंगे फॉसिल्स। नाउ देयर आर टू कॉम्पोनेंट्स टू नो द एज ऑफ द फॉसिल। अब ये कैसे पता चलाएंगे कि कौन फॉसिल कितना पुराना है, इसकी एज कितनी है फॉसिल की, मीन 400 साल पुराना है, 200 साल, 100 साल, 50 साल, कितने साल पुराना है? एक तो कि देख के एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जिनको हम देख के नहीं बता सकते कि इसकी एज कितनी है। ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू कॉम्पोनेंट्स और टू मैथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे जैसे खुदाई करते हैं, पढ़ा होगा जैसे हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं कि खुदाई करी जाती है और एक अवशेष मिलते हैं, देन ठीक है कुछ फॉसिल्स मिलेंगे, कुछ चीज़ें मिलती हैं और हम एक आइडिया लगाते हैं कि इस जगह का कल्चर ऐसा रहा होगा, उस टाइम के ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहे होंगे, ऐसा स्ट्रक्चर था और आज का क्या स्ट्रक्चर है, तो एक कंपैरिजन हम करते हैं। तो बेसिकली जो फॉसिल्स हैं वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है? फॉसिल्स एक सोर्स है कि आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी कर सको। तो दो तरीके हैं एज पता लगाने के लिए, खुदाई करते जाओ, जितने ज्यादा डीप में आपको फॉसिल मिलेंगे, जो फॉसिल जितना ज्यादा डीप होगा वो उतना ही ओल्डर फॉसिल होता है। सेकेंड इज डिटेक्टिंग द रेशियोज ऑफ द डिफरेंट आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं आइसोटॉप्स ऐसे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। ओके, केमिस्ट्री में पढ़ी होती हैं ये चीज़ें। सो डिटेक्टिंग रेशो, रेशो का पता लगाएंगे हम आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट। जैसे सपोज कीजिए एक आयरन है, तो आयरन का क्या होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा। सपोज कीजिए आयरन का एटॉमिक नंबर वैसे 26 होता है, अब इसका मास जो है आप मान लीजिए लाइक 53.5, एक आयरन 26 का है लाइक 53.7, ओके एक आयरन का है 54.26, इस तरह से ले सकते हैं हम, ठीक है? इस तरह से मीन्स ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट। यही होते हैं आइसोटॉप्स, इस तरह की स्पीशीज होंगी। तो इन्होंने कहा कि डिटेक्टिंग द रेशियोज ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल, कि रेशियो को डिटेक्ट किया जाता है। जैसे आयरन ही था, अब उस फॉसिल मटेरियल में उन आइसोटॉप्स का रेशियो कितना है, ठीक है? दिस इज अ लेंथी मेथड। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं एज ऑफ द फॉसिल। अब होता क्या है, जैसे आप डिग करते जाते, खुदाई की अगर हम बात करें तो जब भी डिगिंग होती है तो जो जितना पुराना फॉसिल है वो उतनी नीचे मिलेगा। जैसे सबसे पहले जिनकी डेथ हुई थी वो थे जैसे इनवर्टिब्रेट्स की डेथ होगी, जो सी इनवर्टिब्रेट्स थे तो वो सबसे नीचे उनके अवशेष मिलेंगे। फिर जैसे डायनासोर आए, डायनासोर की डेथ हुई तो फिर वो कंप्रेस हो गए मड में, है ना? तो मड ने डायनासोर की शेप ले ली होगी वहां पे, ऐसा होगा, ठीक है? सिंबल्स जैसे बन जाते हैं ना उन्हीं के। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जैसे डायनासोर के बाद हॉर्सेज आ गए, हॉर्सेज अगर एक्सटिंक्ट हो गए, जो एक पर्टिकुलर वेराइटी थी उस टाइम पे हॉर्सेज की, ओके इक्विस इक्विस हिप्पस आई ओके मतलब इक्विस जीनस के ही कुछ हॉर्सेस थे, उनकी क्या होगी, एक्सटिंक्शन होगी, तो वो उन रॉक्स में एम्बेड कर गई, रॉक्स बन गई उसके ऊपर। कहने का मतलब है ना, समझ रहे मेरी बात? जैसे कैसे होता है, सबसे पहले सी इनवर्टिब्रेट खत्म हुए, ठीक है, तो उनकी एक लेयर बन जाएगी यहाँ पे। उसके बाद सपोज कीजिए डायनासोर का एंड हुआ तो वो एक मड और रॉक की कंप्रेशन के तरह इस तरह से हो जाएंगे। फिर उसके बाद किसका एंड हुआ, जैसे हॉर्सेस का हुआ तो हॉर्सेस की एक ये रॉक की कंप्रेशन की लेयर बन जाएगी। जैसे जैसे खुदाई करेंगे जितनी गहरी उतने ज्यादा अवशेष मिलेंगे। अब जैसे अब इन हॉर्सेस का एंड हो गया, अब सपोज कीजिए इस एरिया का एरोजन होना शुरू हो गया। एरोजन क्या होता है, दरारें पड़ना शुरू होगी इन रॉक्स में, ठीक है? तो रॉक्स जो वो फटने लग जाएंगी, फटेंगी तो वहां पर मिट्टी भी आएगी, और अगर मिट्टी आएगी तो पानी, बारिश तो होती है, तो एक मीडियम क्रिएट हो जाएगा प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, तो प्लांट यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। तो आपने क्या नोट किया यहाँ पे, कि जितना पुराना फॉसिल आपको सर्च करना है वो उतनी ही नीचे होगा, डीपर लेयर्स में होगा, और जो फ्रेश फ्रेश चीजें होती हैं वो ऊपर होती हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉसिल।